सो गाइज, सबसे पहले तो आज खुशी की बात है क्योंकि हमारे जो चैनल पर जो वीडियो है 3 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, जो कि था 1000 व्यू पर कितने पैसे मिलेंगे, उस पर आ चुके हैं 3 मिलियन व्यूज़। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना सपोर्ट, इतना प्यार किया तो हमारा वीडियो इतना आगे बढ़ पाया है। हमारा चैनल भी आज अच्छा ग्रो पर है क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और 3 मिलियन व्यूज़ भी उस वीडियो पर आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है इस वीडियो को बनाने की कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि क्या हम कॉपीराइट म्यूज़िक, कॉपीराइट वीडियो हम यूज कर सकते हैं, यानी किसी और ऑनर के हम वीडियो हमारे यूट्यूब पर अपलोड करके हमारा चैनल ग्रो करवा सकते हैं या फिर नहीं। तो आप सभी को बोल दूँ, सबसे पहले तो नहीं, क्योंकि ये अगर आप यूज़ करते हैं किसी और का कॉन्टेंट यूज़ करके तो आपका चैनल तो चल जाएगा, उसके ऊपर कॉपीराइट भी आएगा। भले वो टर्मिनेट वाली कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होगी, पर आपका चैनल भी ग्रो करेगा, आप आलसी बन जाएंगे क्योंकि आप खुद यूज़ उसका कंटेंट यूज़ करेंगे, आप खुद क्रिएट वीडियो नहीं करेंगे, आप जनरल वीडियो बनाएंगे नहीं, आपको फिर क्या रहेगा, किसी और का वीडियो डालकर उस पर अपलोड कर लेते हैं। एक बार ग्रो कर लेगा, अगर सब्जेक्ट किसी और का हुआ, उसके सब्सक्राइबर आपके चैनल पर जुड़ गए, उसके बाद आप ये सोचेंगे हमारा चैनल ग्रो हो गया, 4000 घंटे पूरे कर लिए, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, अब क्यों ना इन सभी कंटेंट को हम हाइड कर लेते हैं, प्राइवेट करके हमारा जो नया जो फ्रेश कंटेंट है उसको अपलोड करते हैं। पर आप एक चीज़ भूल रहे हैं, जो सब्सक्राइबर गेन हुए थे, जो आपके व्यूवर्स हैं, वो उस चीज़ के हैं जो आपने पहले अपलोड की थी, ना कि आपके, उन्होंने आपकी वीडियो को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब उसने किया था किसी और की वीडियो को देखकर। तो आपको क्या करना है, शुरू से ही आपको अपना खुद का जेन्युइन कंटेंट अपलोड करना है, जिससे कि आपके सब्सक्राइबर एक ही तरफ फोकस करेंगे आपके कंटेंट पर, ना कि किसी थर्ड पार्टी के। ऐसा भी हो सकता है कि आपके वीडियो देखकर आपके चैनल पर सब्सक्राइब तो कर देंगे, इन केस फ्यूचर में कभी वो बंदा फेमस हो गया तो आपके सारे के सारे सब्सक्राइबर डाइवर्ट होकर वहाँ चले जाएंगे, आपके वीडियो वॉच नहीं करेंगे और आपके वीडियो पर कॉपीराइट भी और ऊपर से अलग से आ जाएगा। उसके बाद आप अपने खुद के वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ पर व्यूज़ नहीं आएंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, फिर उस चैनल को आप चला नहीं पाएंगे। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आप जब भी वीडियो चैनल क्रिएट करें तो आपका जेन्युइन कंटेंट ही आप क्रिएट करें, उसके बाद ही अपलोड करें। मैंने ये पहले बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी थी, ऐसी ऐसी गलती है कि इतने सारे मैंने वीडियो अपलोड किए थे किसी थर्ड पर्सन के, उसके मुझे आज भी भुगतान करने पड़ रहे हैं, मुझे भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आज सुबह 9 बजे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी जो कि चैनल को टर्मिनेट कर सकती थी। ठीक है, अभी तक एक ही आई है, अगर 3 कॉपीराइट आ जाती तो चैनल हो जाता टर्मिनेट, बिल्कुल ही ख़त्म, उसके बाद इस पर कोई वीडियो नहीं आती। तो ये अच्छा पॉइंट हम बोल सकते हैं कि अभी एक ही कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, उसके बाद मैं जितना भी जो कॉपीराइट कंटेंट था मैंने रिमूव कर दिया, अब खुद का ही सारा कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ। तो आप भी ये कभी गलती ना करें और किसी का भी कंटेंट, किसी का भी म्यूज़िक, किसी का वीडियो अपलोड ना करें अपने चैनल पर। चैनल कंटेंट में टाइम लगेगा, भले ही 1 दिन 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल, पर उसके बाद आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांति से बैठिए, अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड कीजिए, जिससे कि आपके सब्सक्राइब गेन होंगे, वॉच टाइम गेन होगा, आपके वीडियो वायरल होगा, यूट्यूब आपके वीडियो खुद प्रमोट करेगा अगर कंटेंट अच्छा हुआ तो। तो लास्ट में यही है मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आपको किसी और का कंटेंट यूज़ नहीं करना है, आपको खुद की जेन्युइन वीडियो बनाने हैं, खुद ही मेहनत करनी है और खुद को ही अपलोड करना है। थंबनेल कैसा भी हो, एडिटिंग कैसी भी हो, एक दिन नहीं सीखोगे, 2 दिन 10 दिन 20 वीडियो 50 वीडियो, उसके बाद आप सीख जाओगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी आपके वीडियो में और क्वालिटी में। तो छोटी सी वीडियो थी इस छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन को लेकर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का भी। बाय बाय।